नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है, हराया जा सकता है। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं। पहले बड़े बड़े भाषण करते थे, इस बार पार्लियामेंट में घुसने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा, फिर गए अंदर। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई। अब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, नरेंद्र मोदी बीजेपी इनको हम सरकार से हटा देंगे। कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है, एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। पर कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है, ये निश्चित है, ये होने जा रहा है। और हमारा पहला काम, हमने नेशनल मैनिफेस्टो में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूं, जो भी सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्सटेंड कर देंगे। जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे, परमानेंट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे।